महाराष्ट्र के पुणे में 19 मई को देर रात 2:30 बजे 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही एक पोर्शे कार ने एक बाइक को टक्कर मारी। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर जा रहे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इन दोनों की उम्र लगभग 24 साल थी। जो लड़का इस 2 करोड़ रुपए की महंगी पोर्शे कार को चला रहा था वो पुणे के एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा है। सड़क दुर्घटना के समय यह लड़का शराब के नशे में था और 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस गाड़ी को चला रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, क्योंकि ये लड़का 17 साल का है, यानी ये एक नाबालिग लड़का है। और क्योंकि इस नाबालिग लड़के ने शराब के नशे में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए दो लोगों की जान ले ली, इसलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात यह है कि यह लड़का अपनी गिरफ्तारी के सिर्फ 14 घंटे के बाद ही बहुत आसानी से छूट गया और अदालत से इसे बड़ी आसानी से बेल मिली। और जिन शर्तों पर इस लड़के को बेल मिली है वो आज किसी मजाक से कम नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने फैसले में कहा है कि दो लोगों की जान लेने वाले इस लड़के की सजा यह है कि इसे इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखकर देना होगा। पुलिस की जिस टीम ने इस केस को हैंडल किया है उसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने ठीक से FIR दर्ज क्यों नहीं की, उन्होंने ठीक से धाराएं क्यों नहीं लगाई, आज उसकी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद जहां जहां से भी इस लड़के को इतनी आसानी से जमानत मिली है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, ये फाइल दोबारा से खुलनी चाहिए और कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई वरिष्ठ मंत्री महाराष्ट्र सरकार का इस मामले का संज्ञान ले और इस पर जांच बैठाए। कार से जो हत्याएं आजकल की जा रही हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि ये गैर इरादतन नहीं बल्कि लापरवाही की जो हत्या का मामला होता है इस पर सख्त से सख्त सजा अब होनी चाहिए। आपसे भी हम ये कहना चाहेंगे, अपने बच्चों पर लगाम लगा कर रखिए, अपने बच्चों को स्कूटी बाइक या गाड़ी इस तरह से मत दीजिए कि वो आगे चलकर ऐसी दुर्घटना को कोई अंजाम दे सके। और अगर आप देते हैं तो आपका बच्चा किसी दूसरे की जान ले सकता है, और अगर आप नहीं देते हैं लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अपने बच्चों को गाड़ी दे रहा है तो एक दिन आप या आपका परिवार उस गाड़ी का शिकार हो सकते हैं। दोनों मामलों में ही नुकसान आप ही का है।